अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सितारा फैशन SKR। आज हम आपके लिए एक झबला स्टाइल लेकर आए हैं, डोरी वाला, जिसके गले के अंदर इस तरह से डोरी लगती है, ये जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। और इसकी जो है हाल व्यूवर्स, मैंने इसकी बैक के अंदर भी सेम प्रोसेस वही रखा है, लेकिन बैक के अंदर कट नहीं है, फ्रंट में कट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये कपड़ा मैंने लिया है, इसका जो है टोटल अर्ज़ है, तकरीबन मैं नाप कर दिखाता हूँ, 15.5 इंच माना 31 इंच इसका जो है टोटल अर्ज़ है कपड़े का। तो इसको मैंने इस्त्री लगा कर इसको सीधा कर लिया है इस तरीके से। सबसे पहले मैं इसकी लंबाई लूँगा, मैं लंबाई इसकी रख रहा हूँ 35 इंच। तो 35.5 इंच पे हम निशान लगा लेंगे, उसके बाद हम इसको सीधा निशान लगाएंगे एक। इस तरीके से मैंने इसको एक सीधी लकीर लगा ली है। उसके बाद इसको हम इस जगह से तकरीबन 2.5 इंच रखेंगे, यहाँ से तकरीबन 3.5 या 4 इसको हमने इस तरीके से निशान लगा लिया। अभी हम इसके मोढ़े रख रहे हैं 6.5 इंच और इसको यहाँ से भी 2.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। तो मोढ़े जो है आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, छोटे या बड़े वो आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद इसके गले की लंबाई जो है वो मैं रख रहा हूँ 4.5 और चौड़ाई का निशान मैं पहले ही लगा चुका हूँ, ये उसी निशान पे हम आ जाएंगे ऐसे। इसके बाद ऑल व्यूअर्स हम इसकी कटिंग करेंगे इस तरीके से, थोड़ा निशान के ऊपर से क्रॉस में काटते हुए आएंगे और ऊपर वाले पीसों को हमने कर दिया है अलग। तो फैन ऑन है, कपड़ा उड़ रहा है। इस तरीके से हमने इसके चारों मोढ़े जो है एक साइड एक तरह से ही उतारने हैं, क्योंकि इसकी फिटिंग कोई नहीं होती, इसलिए हम इसके एक ही जैसे उतार रहे हैं। उसके बाद इसके फ्रंट के गले का जो मैंने निशान लगाया था, उसी निशान पर से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो मैंने ये देखें फ्रंट की जो है गला मैंने कट कर दिया है। उसके बाद हम तकरीबन बैक का है गला रखेंगे तकरीबन 3 इंच, तो 3 इंच में निशान लगाकर हम इसको उसी ऊपर गले तक कटिंग कर लेंगे जहाँ तक हमने वो गला कटिंग किया है। तो ये देखें बैक का गला थोड़ा सा छोटा है और फ्रंट का गला आप थोड़ा सा बड़ा है। अभी हम इसको 2 इंच या 2.5 इंच का निशान लगा रहे हैं और वहाँ तक जो है हम इसको कटिंग करेंगे, हल्का सा कट बनाएंगे आगे ताकि जो गले के अंदर आपने डोरी लगी हुई देखी थी उसी तरह का लुक आ जाए। व्यूअर्स इसकी जो है साइडों के अंदर सीधी सिलाई लगेगी, इसकी कोई फिटिंग नहीं होती। अभी मैं इसके बाजुओं की कटिंग कर रहा हूँ, बाजू मैं इसके रख रहा हूँ 4.25 15 इंच 3/4 बाजू, और इसका मोढ़ा मैंने रखा है 7 इंच और मोरी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, मैं इसकी रख रहा हूँ 6 इंच, क्योंकि ये लूज़ लूज़ रहेगा तो ये अच्छा लगता है लूज़ लूज़। ये अक्सर जो है प्रेगनेंसी में वुमेंस पहनती हैं, लेडीज़ अक्सर प्रेगनेंसी में इसी तरह के जो है झबले वगैरह पहनना पसंद करते हैं, तो मैंने उसी के लिए ये बनाया है, आपको स्टाइल समझाने के लिए ये चीज़ बनाई है। तो मैंने इसके बाजू 1/3 कटिंग किए हैं। अभी हमारा जहाँ से मोढ़ा चढ़ेगा वहाँ पे मैंने कुटका लगा लिया है। उसके बाद इसके बचे हुए कपड़े की मैंने ये 3 पट्टियाँ काटी हैं तकरीबन 1.5 1.5 इंच की,
जो हमारे गले के अंदर डोरी लगेगी और पट्टी यही यूज़ होगी। तो अब हम चलते हैं मशीन पे। तो मशीन पर हम आ चुके हैं। सबसे पहले हम अपना जो सामने वाला गला है जिसपे हमने कट मारा था वो लेंगे। ये देखें, यहाँ पे हम सबसे पहले कट बनाएंगे। तो ये गले का ही बचा हुआ कपड़ा था, उसी को मैंने ले लिया है। इसको जो है मैं 2 इंच तकरीबन चौड़ी मैंने इसको कटिंग किया है चौड़ा। अभी हम इसको नीचे रखेंगे और जो हमारा कट है उसको हम इसके ऊपर रखेंगे उल्टा। और हाफ पैर की हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे, चारों तरफ इसको घुमा लेंगे। इसका जो कोना आएगा उस पे हमने हल्की सी नोक बना लेनी है और इसको घुमा लेना है इस तरीके से, और ऊपर की तरफ हम सिलाई को वापस ले जाएंगे। अभी हम इसको कट करेंगे, जहाँ तक हमारी सिलाई है बिल्कुल बराबर तक हम उसको कट करेंगे। उसके बाद हम इसके किनारे पर सिलाई लगाएंगे कपड़े को बाहर की तरफ करके, ताकि ये बैक की तरफ आराम से बैठ जाए। आप वॉच करें, और जो भी हमारे चैनल पे न्यू है वो हमारे चैनल को लाजमन सब्सक्राइब कर दे, जल्दी से सब्सक्राइब करें, ताकि और साथ वाले बेल के आइकन पर भी प्रेस करें, ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन उन तक बआसानी पहुँच सके। और हमारी वीडियो को जो है लाइक किया करें, शेयर किया करें, इससे हमारी हौसला अफज़ाई होती है। अभी देखें, हम इनको अंदर की तरफ फोल्ड कर रहे हैं, हाथ की उंगली की मदद से ही इसको नाखून से क्रीस लगा ले रहे हैं। तो इसको हम बाकी कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, इस तरह बिठा लेंगे। इधर से भी अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और इसको इस तरह बिठा लेंगे हाथ से ही। ये थोड़ा कपड़ा नीचे ज़्यादा है तो इसको थोड़ा कट कर लेते हैं, और यहाँ से भी हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। अभी हम इसको चारों तरफ सिलाई लगा देंगे। ऑल व्यूअर्स, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, तो हमें सपोर्ट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक किया करें, शेयर किया करें, इससे हमारी हौसला अफज़ाई होती है। तो ये देखें, हमारी ये कट जो है बन चुका है, जो हमने गले के अंदर बनाया है। उसके बाद हम इसकी कंधी को जोड़ लेते हैं। तो पहले हम बैक वाला हिस्सा रखेंगे। उसके बाद इस पर हम फ्रंट रखेंगे और इनको जो है हम आपस में जोड़ देंगे। दूसरे वाली साइड भी हम ऐसे ही जोड़ेंगे इसकी। तो ये देखें, हमारी ये कंधी जुड़ चुकी है। ये कितना बड़ा गला है, अभी हम इसको ज़रा इसके अंदर वो करेंगे। तो आगे का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। ये पट्टी है, इन 2 पट्टियों को मैंने लिया है, डेढ़ पट्टी तकरीबन, उसको मैं आपस में जोड़ लगा ले रहा हूँ। 3 पट्टियाँ व्यूवर्स मैंने कटिंग की थी, तो उसमें से डेढ़ पट्टी मैंने डोरी बनाने के लिए रखी है, और डेढ़ पट्टी जो है इसके अंदर हम लगाएंगे। तो इसको हमने सीधा रख देना है, इसके अंदर कपड़े को सीधा रखना है। और उसके बाद इस कमीज़ को, ये कट वाली साइड जो है, इसको इस तरह रखना है और थोड़ा सा बढ़ा के रखना है नीचे वाले कपड़े को, जो पट्टी है उसको थोड़ा सा बढ़ा के रखना है। और इसके ऊपर हमने लगानी है बूट की सिलाई। इसके ऊपर हम बूट की सिलाई पूरी हम घुमा लेंगे चारों तरफ से। तो ये देखें, मैंने चारों तरफ से घुमा के आ गया हूँ। यहाँ से हम इसको निकाल देंगे। उसके बाद थोड़ा सा इजाफी कपड़ा छोड़ के मैंने कट कर दिया है। अभी हम इसको तकरीबन आधा इंच ऊपर की तरफ ऐसे
अंदर मोड़ेंगे यहाँ से, और इस तरीके से हम आधा इंच बढ़ता हुआ ऐसे ऊपर मोड़ेंगे और किनारे पर सिलाई लगाएंगे। जिस जो सिलाई हमने लगाई थी उसी सिलाई के ऊपर हम किनारे की सिलाई लगाएंगे। और ये पट्टी जो है हम आधे इंच की तैयार करते हुए जाएंगे। तो लीजिए, मैंने ये पट्टी तैयार कर ली है। उसके बाद हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे इस तरीके से, और इसकी अंदर वाली साइड पे हम किनारे की सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर पक्का कर लें और फिर इसको इस तरीके से हम सिलाई लगाएंगे। तो ये यहाँ पर देखें, ये खुलता हुआ थोड़ा यहाँ से छोड़ा हुआ है मैंने अंदर, ताकि डोरी चल सके। इसको बिल्कुल बंद नहीं करना है, यहाँ पर आकर आपने पक्का कर देना है। ये देखें, ये अंदर डोरी आराम से घूम सकती है। इसके बाद ये बाकी बचा हुआ कपड़ा था, इसको मैं जोड़ लगा लेता हूँ, जो हमने तीन पट्टियाँ काटी थी। तो आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि 1.5 मैंने गले में यूज़ करनी है और 1.5 पट्टी की जो है हमने बनानी है डोरी। तो इसकी डोरी बनाने के लिए हमने हाफ पेयर की डोरी बनाएंगे। तो इसके ऊपर तकरीबन पूरी पट्टी के ऊपर हमने हाफ पेयर की सिलाई लगा ली है। उसके बाद इसका इजाफी कपड़ा जो है तकरीबन आधा आधा इंच छोड़ दें, बाकी कट कर दें। तो ये मैंने कटिंग कर दिया है कपड़ा। उसके बाद मैंने एक लिया है सूआ, जो रज़ाई में या बिस्तरों में धागे डालने के लिए मिलता है, उसको इस तरीके से हम इसके अंदर से गुजारेंगे और यहाँ पर फंदा लगा देंगे। और इसके अंदर इसको पूरा जो है हम घुमा लेंगे, इसके अंदर से पूरा गुजार लेंगे सुई को। तो इसकी डोरी मैंने बना ली है, क्योंकि ये पहले जो इसकी वीडियो में बना चुका हूँ कि ये डोरियाँ किस तरह बनती हैं। और ये जो धागा है हमारी डोरी में लगा हुआ, इसको हमने कट नहीं किया है। अभी हम इसी सुई को उल्टा इसके अंदर डालेंगे, कमीज़ के अंदर इसको पूरा जो है हम घुमा लेंगे इसके अंदर से। आप हमारे फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, और अब आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं, और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन सब सोशल मीडिया के लिंक जो है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहाँ से जाकर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर भी मैं अपडेटिंग करता रहता हूँ। तो ये देखें, ये डोरी को मैंने पूरा इसके अंदर से राउंडली घुमा लिया है। इसकी जो चुन्नटें हैं उनको मैं सेट करके फिर इसका गला का लुक दिखाता हूँ। इनके अंदर हम फुंदने लगा लेंगे डोरियों के कोनों पे। तो ये देखें, मैंने इसके फुंदने लगा दिए हैं कपड़े के जो बनते हैं। अभी मैं आपको इसकी कंप्लीट सिलाई करके व्यू देता हूँ। तो ये देखें, ये खूबसूरत सा हमारा फ्रॉक बनकर तैयार हो चुका है, झबला स्टाइल। ये देखें, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें
और साथ वाले बेल के आइकन पर प्रेस कर दें, इससे हमारी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।